नमस्कार। आज से शुरू हो रही इस योग श्रृंखला अष्टांग योग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको अष्टांग योग, जो कि मैसूर की परंपरा से है, उसके अंतर्गत आपको योग सिखाएंगे। आइए पहले जानते हैं इस परंपरा की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। परंपरा शुरू होती है तिरुमलई कृष्णमाचार्य जी के जन्म से, जो 1888 में हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु रामा मोहन ब्रह्मचारी जी से 7.5 साल तक कैलाश पर्वत पर योग सीखा और आगे सिखाया। उसके बाद इसके बाद शुरू होता है कृष्णा पटाबी जॉर्ज जी का जीवन, जिन्होंने अष्टांग योग को विश्व भर में फेमस किया, या कह सकते हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस परंपरा के अंतर्गत हम जानते हैं कि अष्टांग योग, जिसको सीधे और सरल शब्दों में हम कहेंगे 8 स्टेप्स ऑफ योगा, जो शुरू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग के। मैसूर परंपरा में विन्यासा क्रमा को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें हम विन्यासा के क्रम को आसनस में डालते हैं, जैसे और फोकस दिया जाता है आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। सो इसमें 3 बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, जो कि है पहला आसन, दूसरा आपका श्वास ब्रेथ, और तीसरा विन्यासा। सो इन 3ों का जोड़ बनता है अष्टांग विन्यास योग। विन्यासाओं का क्रम एक के बाद एक होता है, जिसमें हम विन्यासा, पहले मैं आपको समझाऊं विन्यासा का मतलब क्या होता है। विन्यासा को कहते हैं एक ब्रेथ एक मूवमेंट, एक श्वास एक मूवमेंट। इसके अंतर्गत हम आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप योगासना सिखाएंगे। इसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैंने योग सीखा है अपने गुरु श्री आर शरत जॉयस, जो कि होते हैं कृष्णा पटाबी जॉयस जी के, और अभी करंट डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है, श्री के पटाबी जॉयस अष्टांग योगा इंस्टीट्यूट, जहां वे योग सिखाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ, जो 2 भागों में है, सूर्य नमस्कार ए और सूर्य नमस्कार बी। सूर्य नमस्कार ए में 9 स्टेप हैं, जिन्हें हम सरल शब्दों में कहेंगे 9 विन्यासा हैं, जिसमें इनहेल और एक्सेल होता है। उसके बाद सूर्य नमस्कार बी में 17 विन्यासा हैं, 17 काउंट किया जाता है, और उसके 17 डिफरेंट इनहेल्स और एक्सेल्स हैं। मेरे साथ मेरे विद्यार्थी गरिमा, सोनाक्षी, और अलीशिया आपको साथ में मिलकर योग सिखाएंगे। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार ए पहले दिखाऊंगा और उसके बाद उसको सरलता से सिखाऊंगा। तो आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार ए अष्टांग योग मैसूर परंपरा से। इसमें हम सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार ए बताएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर दोनों हाथ दोनों पांव सीधे खड़े हो जाइए। इस पोज को हम समस्थिति कहते हैं। समस्थिति शुरू और आखिर में हमें समस्थिति में ही आना है। इसके बाद एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, गर्दन को पीछे झुकाइए और हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखकर ऊपर देखिए। एक द्वे एक्सेल करते हुए हेड डाउन कीजिए, नीचे आइए। श्रेणी इनहेल, थर्ड स्टेप ऊपर देखिए, पाँव को सीधा रखिए। चतवारी एक्सेल,
ऐसे प्लैंक पोज में जाकर नीचे आइए, सांस को छोड़ते हुए पंचा इनहेल शट एक्सहेल। यहां पे पांच लंबे गहरे श्वास लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सप्ताह। इनहेल, आगे आकर इनहेल करेंगे और ऊपर देखेंगे अष्टौ, एक्सहेल हेड डाउन करेंगे नवा, इनहेल धीरे से ऊपर आकर हाथों को ऊपर जोड़ेंगे और फिर समस्त थे। आइए अब इसको सीखते हैं और सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ। एकम इनहेल, द्वे एक्सहेल। अगर आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो हाथ जमीन के बजाय पाँव पर भी रख सकते हैं, हेड डाउन। त्रीणी इनहेल, यहीं से हेड अप। चतवारी घुटने बंद करके हाथ जमीन पर, पाँव पीछे, एक्सहेल। अगर ये आसान ना लगे तो पहले घुटने लगा दीजिए फिर एक्सहेल। पंचा इनहेल, लिफ्ट करिए। अगर ये आसान ना लगे तो बॉडी को जमीन पर रखकर भुजंगासन कीजिए। शट एक्सहेल। ये दोबारा पांच श्वास के लिए रुकेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सप्ताह। फीट फॉरवर्ड, इनहेल अष्टौ, एक्सहेल चाहिए या ये नवा, इनहेल समस्तते। सूर्य नमस्कार ए का अभ्यास दोबारा से। सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, जिसको हम योग भाषा में समस्तति कहते हैं। समस्थिति में खड़े होकर सबसे पहले एकम इनहेल, हाथों को ऊपर उठाइए, द्वे एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड हेड डाउन, त्रीणी इनहेल लुक अप हेड अप ओनली, चतवारी फीट बैक और जंप बैक एक्सहेल, पंचा इनहेल अपर डॉग करेंगे, शट एक्सहेल डाउनवर्ड डॉग। यहाँ पे हम पांच लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे, हाथों को सीधा रखिए, कोशिश कीजिए आप अपने घुटनों को जितना सीधा रख सकें, एड़ियों को जमीन पर लगाएं, वन टू थ्री, सांस लेते रहिए लंबे गहरे श्वास, फोर फाइव सप्ताह। फीट फॉरवर्ड, इनहेल हेड अप, अष्टौ एक्सहेल हेड डाउन, नवा इनहेल कम अप, समस्तति बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। एक बार और करेंगे, एकम हाथ ऊपर उठाइए, द्वे एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड हेड डाउन, त्रीणी इनहेल हेड अप ओनली, चतवारी जंप बैक और फीट बैक एक्सहेल, पंचा इनहेल अपर डाउन, शट एक्सहेल। यहाँ अगर आप घुटने सीधे ना रख पाएं तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के रखिए। स्टे फॉर फाइव ब्रेथ्स, वन
टू थ्री फोर फाइव सप्ता जंप फीट फॉरवर्ड इनहेल अष्टौ एक्सहेल हेड डाउन नव इनहेल कम अप समस्तुति अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सूर्य प्रकाशित हो रहा है और प्रकाश अपने प्रकाश से इस नेचर को ऊर्जा देता है। इसी तरह सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। अब हम सूर्य नमस्कार 20 सीखेंगे। सूर्य नमस्कार 20 के लिए सबसे पहले समस्तुति। अभी एकम बेंड योर नीज इनहेल द्वे एक्सहेल त्रीणी इनहेल हेड अप चत्वारी जंप बैक और फीट बैक एक्सहेल पंचा इनहेल शट एक्सहेल डाउनवर्ड डॉग सप्ता अभी राइट लेग फॉरवर्ड बेंड योर नी इनहेल अष्टौ एक्सहेल नव इनहेल दश एक्सहेल एकादश लेफ्ट साइड वीरभद्रासन द्वादश एक्सहेल चतुरंग त्रयोदश इनहेल चतुर्दश एक्सहेल पांच लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे वन टू थ्री फोर फाइव पंचदश जंप ऑफ फीट फॉरवर्ड इनहेल षोडश एक्सहेल बेंड योर नीज फर्स्ट सप्तदश इनहेल समस्तुति। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से प्रकृति को ऊर्जा देता है इसी तरह सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। दोहराइए एक बार फिर सूर्य नमस्कार दी एकम बेंड योर नीज इनहेल द्वे एक्सहेल त्रीणी इनहेल हेड अप चत्वारी जंप बैक और फीट बैक एक्सहेल पंचा इनहेल अपर डॉग षट एक्सहेल डाउन डॉग सप्ता अभी राइट लेग फॉरवर्ड बेंड योर नी इनहेल अष्टौ एक्सहेल नव इनहेल दश एक्सहेल एकादश लेफ्ट साइड वीरभद्रासन द्वादश एक्सहेल चतुरंग त्रयोदश इनहेल चतुर्दश एक्सहेल पांच लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे वन
टू थ्री फोर फाइव पंचदशा जंप ऑफ फीट फॉरवर्ड इनहेल षोडशा एक्सहेल बेंड योर नीज फर्स्ट जैसे हमने शुरू किया था सप्तदशा इनहेल सामस्तथे तो ये हमने सीखा सूर्य नमस्कार बी सूर्य नमस्कार बी में 17 विन्यासास हैं विन्यासा हम कहते हैं वन ब्रेथ वन मूवमेंट यही फर्क है जो अष्टांग योगा परंपरा है ये अष्टांग विन्यासा के नाम से भी जाना जाता है तो सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं इससे हमें फ़ायदा मिलता है हमारी कमर हमारे घुटने हमारी भुजाएं सभी सशक्त और प्रबल होती हैं सूर्य नमस्कार करने से हमारा खून हमारे शरीर में प्रबल दौड़ता है और हमें और ऊर्जा देता है तो ये हमने सीखा सूर्य नमस्कार ए और बी सूर्य नमस्कार आपको एक कंप्लीट वर्कआउट देता है जिसमें आपका हेड टू टो सभी अंग इन्वॉल्व होते हैं इसमें आपका मेरुदंड स्ट्रॉन्ग बनता है तो ये था सूर्य नमस्कार ए और बी अब हमें आज्ञा दीजिए हम आपसे मिलेंगे अगली श्रृंखला में नमस्कार